हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार भी काफी चिंतित है और हम सबको चेतावनी दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से मिलना जुलना कम करें और अपने अपने घर में रहें। आइए आज हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमको सरकार की दी गई ये चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसा डिजीज है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, जिसका मतलब कि वो बहुत तेजी से फैलता है। 2003 में चाइना में एक और वायरस फैला था जिसका नाम था सार्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें इंसान को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। वो वाला जो वायरस था वो बहुत ज्यादा डेडली था, यानी कि वो अगर एक बार किसी को हो जाए तो वो निश्चित था कि वो आदमी मरेगा ही मरेगा। लेकिन कोरोना वायरस डेडली नहीं है, लेकिन वो बहुत तेजी से फैलता है, और जबकि जो सार्स है वो इतना तेजी से फैलता नहीं था। इसलिए हमको कोरोना वायरस से बच के रहना चाहिए और बाहर कम निकलना चाहिए। आइए मैं आपको ये बात आंकड़ों से समझाता हूँ। दोस्तों, कल तक इंडिया में टोटल कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो सिर्फ 175 केसेस थे। आज जब सुबह मैं उठा और मैंने न्यूज देखा तो मैंने पाया कि भारत में टोटल 275 केसेस हो चुके हैं और इंडिया फेज 2 कंप्लीट करने वाला है और फेज 3 में पहुंचने वाला है, जिसका मतलब कि कोरोना वायरस अब मल्टीप्लीकेशन के तरीके से फैलने वाला है, ना कि एडिशन। एडिशन में ऐसा होता है कि 2+2 फिर 4+2 6 ऐसे होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 2 का 4, 4 का 6, 6 का 12 इस तरीके से फैलता है। और फ्रेंड्स, जब सरकार को ये पता चलता है कि आज कोई पर्टिकुलर स्टेट में इतने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, तो वो जो बंदा है जिसको कोरोना वायरस हुआ है उसको सिम्टम्स आज दिखने चालू हुए हैं, यानी कि 14 डेज के बाद, वायरस होने के 14 डेज के बाद उसको सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं, और तब जाके वो डिटेक्ट होता है कोई हॉस्पिटल में या मेडिकल क्लिनिक में कि उस बंदे को कोरोना वायरस है। लेकिन उसको 14 डेज पहले ही कोरोना वायरस हो चुका होता है और उस दौरान वो जितने भी लोगों से मिला हुआ होता है वो सब उससे इन्फेक्टेड हो चुके हो सकते हैं। आज की तारीख में टोटल इंडिया में 275 केसेस है, जिसमें से 40 केसेस केरला में है, 52 केसेस महाराष्ट्र में है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार ने पुणे, मुंबई, नागपुर और पिंपरी चिंचवड़, ये चारों शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है। गुजरात में कल तक सिर्फ 3 केसेस थे, आज गुजरात में टोटल 7 केसेस पाए गए हैं। तेलंगाना में भी 40 केसेस, मोर देन 40 केसेस पाए गए हैं। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं किस हिसाब से कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलता है। मान लीजिए ये आपका टाइमलाइन है। कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना में डिटेक्ट हुआ था 21 जनवरी को। तब उसके यहाँ फॉर एग्जांपल डिटेक्ट हुए थे जो लोग थे वो अब मान लीजिए कि 100 लोग थे, लेकिन एक्चुअल में ये वो आंकड़ा है जो सरकार को पता चला था चाइना की, लेकिन एक्चुअल में जो लोग अफेक्टेड हुए होंगे क्योंकि 14 डेज पहले से इन 100 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका था, तो इन्होंने और भी लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, तो एक्चुअल में जो लोग थे वो हो सकते हैं यहाँ पे कहीं पे हो और वो हो टोटल 300। जैसे ही सरकार को पता चला कि 21 जनवरी को वुहान सिटी में ये कोरोना वायरस फैला है और इतने लोगों को डिटेक्ट हुआ है, 23 जनवरी को चाइना की सरकार ने पूरे वुहान को लॉकडाउन कर दिया था। 23 तक सरकार के पास जो फिगर आया था वो आया था 400 का, यानी कि तब तक एक्चुअल में जो लोग इन्फेक्टेड थे वो थे टोटल यहां पे 1500 लोग। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। वो यहां से होता हुआ जाता है और वो इस तरह से बढ़ता है। सो फ्रेंड्स,
हम ये देख के ये समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है और 14 डेज बाद उसके सिम्टम्स पता चलते हैं कि उसको हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कनिका कपूर एक सिंगर है, इंडियन बॉलीवुड सिंगर, जिसको अभी अभी परसों ही डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस, और उस बंदी ने बहुत बड़ी गलती की कि लोगों को मिलना चालू रखा और डॉक्टर्स को बताया नहीं कि उसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। और कनिका कपूर ने अपने एक कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया और जिसकी वजह से उसने काफी सारे लोगों को इन्फेक्ट किया महाराष्ट्र में और यूपी में, जिसकी वजह से आज काफी सारे लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। सो फ्रेंड्स, हमको कोरोना वायरस से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि अगर हम खुद को जनता कर्फ्यू के तौर पे घर के अंदर रखेंगे तो कोरोना वायरस से बच पाएंगे, वो एकदम सही दिया है, जिसका हमको पालन करना चाहिए। और कल की तारीख में संडे को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमको जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं कोरोना वायरस से अन्य रिलेटेड सवाल जो हमारे मन में हैं और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हम सब दुविधा में हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि कोरोना वायरस किस तरीके से फैल सकता है। सो दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलने का मेन कारण है वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि जिस बंदे को कोरोना वायरस ऑलरेडी है, अगर उसके साथ कोई कांटेक्ट में आता है और वो कफ या फिर स्नीज या फिर सांस लेना या छोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से रिलीज होते हैं और सामने वाले बंदे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और अगर उस बंदे के डायरेक्टली टच होता है तो उसकी वजह से कोरोना वायरस फैलता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कोरोना वायरस के फैलने का कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सरफेस को टच किया, या फिर उसमें उसके वायरस इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गिरे और उस वायरस इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को टच करने के बाद कोई दूसरा बंदा अगर अपनी आईज, अपना माउथ या फिर अपने नोज को टच करता है तो उसकी वजह से भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और आपको इन्फेक्टेड बना सकता है। यानी कि कोरोना वायरस डायरेक्टली एयर से, हवा से नहीं फैलता है, वो फैलता है तो सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। अगला सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या मेरे को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कोई फीकल मटेरियल, किसी एनिमल या मेरे पेट से, या फिर ऐसी जगह से हो सकता है कि जहां से कोई मैंने पैकेज ऑर्डर किया है और वो उस एरिया से आया हो जहां पे ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फीकल मटेरियल। दोस्तों, कोरोना वायरस का फीकल मटेरियल के थ्रू फैलने का चांस बहुत ही कम है। सो आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि आपको कोई भी ऐसी जगह से आप पास कर रहे हैं जहाँ पे कचरा या बहुत ज्यादा फीकल मटेरियल है किसी एनिमल का या फिर कोई भी दूसरे बर्ड्स का, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उस टाइप के एरिया से क्रॉस होते हैं तो आपको प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए, जैसे कि रेगुलरली हाथ धोना और अल्कोहल बेस्ड कोई भी लिक्विड से अपनी बॉडी को क्लीन रखना। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमको हमारे पेट से या किसी आसपास के एनिमल से इन्फेक्शन फैल सकता है। दोस्तों, WHO के रिसर्च के रिजल्ट्स ये कहते हैं कि हमको हमारे पेट से, पेट एनिमल से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो अगर आपके घर में पेट हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट आपके घर में कोरोना वायरस फैलाने का कारण नहीं है। तीसरा सवाल ये कि क्या मैं ऐसी जगह से कोई प्रोडक्ट मंगाता हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करके जहाँ पे कोरोना वायरस ऑलरेडी है, तो क्या मेरे को भी उस पैकेज के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। सो दोस्तों, निश्चिंत रहें, उस चीज़ से भी आपको कोरोना वायरस डिजीज नहीं फैलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस का किसी सरफेस पे जिंदा रहने का जो टाइम पीरियड है वो कुछ घंटे या मैक्सिमम एक दिन तक का ही है। और जैसे कि टेम्परेचर, कंडीशंस, एटमोसफेयर, वेदर, ये सब चेंज होता है तो कोरोना वायरस का जो जीवित रहने का चांस है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो पैकेज वहां से आता है जो एरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं कोरोना वायरस से किस तरीके से बच सकता हूँ। इसके 6 जवाब हैं। सबसे पहला ये है कि रेगुलरली आपको अपने हाथ, हैंड्स धोने चाहिए,
फॉर 20 सेकेंड सोप के साथ और हर एक घंटे में आपको सैनिटाइजर से अपना हाथ धोना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी आपको खांसी या फिर छींक आ रही हो तो आपको अपना मुंह बेंड एल्बो से यानी कि इस तरीके से या फिर हैंकरचिप का इस्तेमाल करके कवर करना चाहिए। आपको अपने फेस को, अपनी आईज को और अपने नोज को टच करना अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर आदत है कि आप रेगुलरली अपना हाथ फेस पे कहीं भी टच करते हैं तो दोस्तों उस चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है ताकि कोरोना वायरस आपको नहीं फैले। चौथा ये है कि आपको अगर थोड़ा भी अनवेल फील हो रहा है और अनइजी फील हो रहा है, अगर जरा भी ऐसा लग रहा है कि सर्दी या खांसी है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और विजिट करने से पहले सबसे पहले उसको फोन करके बताना चाहिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है डॉक्टर साहब तो मुझे क्या करना चाहिए। पांचवा उसका जवाब ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए यानी कि आपको क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। छठा ये प्रिकॉशन है कि अगर आपको जरा सा भी फीवरिश लग रहा हो या फिर बुखार जैसा फील हो रहा हो तो आपको घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आइए अभी हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस को लेके जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिथ या रूमर्स यानी कि अफवाहें फैल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। दोस्तों मैं इस वीडियो में जो भी बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से किए गए रिसर्च के दौरान निकाली गई सारी बातें मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ वो 100% ट्रू है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो कोरोना वायरस को लेके काफी अफवाह के रूप में फैल रही है और जिसमें सच्चाई जरा भी नहीं है और सच क्या है। सबसे पहला ये कि कोरोना वायरस हर एक इंसान को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो। और अगर कोई बंदे या कोई भी इंसान के ऑलरेडी प्री मेडिकल कुछ केसेस चल रहे हैं यानी कि उसको डायबिटीज हो, अस्थमा हो या फिर और किसी तरह की हार्ट की बीमारी हो, वेस्कुलर प्रॉब्लम हो, तो वो ज्यादा प्रोन है कोरोना वायरस उसकी बॉडी में आसानी से घुस सकता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। दूसरा ये फैक्ट है दोस्तों कि कोरोना वायरस को कोई भी ठंडी जगह या फिर स्नो या फिर कोई भी रेन, ऐसी कोई क्लाइमेट कंडीशन है तो वो कोरोना वायरस को किल नहीं कर सकती। तीसरा फैक्ट ये है कि कोरोना वायरस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर आप ऐसा सोचें कि मैं धूप में घूम रहा हूं तो मेरे अंदर का जो वायरस है वो मर जाएगा तो वो गलत है। कोरोना वायरस को हॉट टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा फैक्ट ये है कि अगर आप हॉट बात ले रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस मर जाएगा तो वो भी गलत है। हॉट शावर से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। अगला फैक्ट जो है वो ये है कि मच्छर के काटने से कोरोना वायरस नहीं फैलता। जी हाँ दोस्तों, अगर आसपास मच्छर है तो उनसे आपको कोरोना वायरस नहीं फैल सकता, उनसे आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अगला फैक्ट ये कि क्या आपको आपके पेट से कोरोना वायरस हो सकता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि आपके पेट से या कोई भी आसपास के एनिमल से आपको कोरोना वायरस नहीं फैल सकता। दूसरा फैक्ट ये कि लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करूं हाथ धोने के बाद तो मेरे हाथों में जो भी जर्म्स है या कोरोना वायरस है वो मर जाएंगे। दोस्तों जर्म्स तो हट जाएंगे लेकिन जर्म्स अलग चीज है और वायरस अलग चीज है। तो आप अगर हैंड ड्रायर यूज कर रहे हैं तो उससे आपके हाथों का कोरोना वायरस नहीं हटेगा अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं तो। अगला फैक्ट ये कि लोगों को लग रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट से भी कोरोना वायरस मर सकता है, बट वो एक वहम है दोस्तों। अल्ट्रावायलेट लाइट से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको स्किन इरिटेशन हो सकता है और आपको स्किन में बर्निंग सेंसेशन का महसूस हो सकता है। अगला फैक्ट ये कि थर्मल स्कैनर से लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थर्मल स्कैनर से जो बाहर स्टेशन्स में और सब जगह में यूज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर से सिर्फ एक फीवर डिटेक्ट हो सकता है कि आपकी बॉडी का क्या तापमान है और आपको फीवर है या नहीं, लेकिन उससे कोरोना वायरस का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा फैक्ट ये कि दोस्तों लोगों को लगता है कि रेगुलरली मैं अगर मेरी नोज सलाइन से यानी कि नमक वाले पानी से क्लीन करूंगा तो मेरे अंदर अगर कोरोना वायरस है या फिर बाहर से आने वाला है तो वो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगुलरली अगर आप आपकी नाक
सलाइन वाटर से क्लीन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपको कोरोना वायरस से बचाए। अगला मिथ जो लोगों के मन में बैठ चुका है वो ये है कि अगर मैं स्प्रे या फिर क्लोरीन मेरी बॉडी में या हाथ पांव में स्प्रे करता हूं तो मैं कोरोना वायरस से बच सकता हूं, लेकिन ये गलत है। अगर आपकी बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी एंटर कर चुका है तो आप बाहर के सरफेस में आपकी बॉडी में कुछ भी लगाएं, उससे कोरोना वायरस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है दोस्तों कि लोगों को लग रहा है कि अगर मैं निमोनिया या दूसरे अन्य इन्फ्लुएंजा और इस तरह के डिजीजेस का वैक्सीनेशन ले लूं या मैंने लिया हुआ है तो मेरे को कोरोना वायरस नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस का अभी तक ना कोई क्योर निकला है, ना कोई ट्रीटमेंट निकला है और ना ही उसका कोई वैक्सीन पाया गया है। दुनिया में WHO ने हर कंट्री से बात करके ये देख लिया है कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं निकाला गया है। सो दोस्तों, आपको कोई भी तरह का वैक्सीन अगर पहले हो चुका है तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोरोना वायरस से भी सुरक्षित हैं, इसलिए आपको कोरोना वायरस से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, अगला मिथ बस्टर ये है कि लोगों को लग रहा है गार्लिक खाने से भी कोरोना वायरस हट सकता है। गार्लिक नो डाउट आपकी सेहत के लिए हेल्दी है, लेकिन उससे कोरोना वायरस हटाया नहीं जा सकता। अगला फैक्ट ये कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से कोरोना वायरस हट जाए। सो दोस्तों, ऐसा कोई भी मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया जिसकी वजह से कोरोना वायरस हट जाए। सवाल जो काफी लोगों के मन में आता है वो ये है कि COVID-19 की वजह से जो इतना तनाव का माहौल क्रिएट हो रहा है खुद के मन में भी और अपने परिवार वालों के मन में भी और दोस्तों के मन में भी, उससे कैसे निपटे। दोस्तों, ऐसे माहौल में बहुत आम बात है कि आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, आप सैड फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक हो सकता है, आप डरे हुए महसूस कर सकते हैं, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस बंदे से फोन पे बात करें जिससे आप काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जो आपकी बातों को समझता है और आपको अच्छी सलाह दे सकता है। ऐसा करने से आपको काफी हल्का फील होगा और आपको कोरोना वायरस से जो तनाव फैल रहा है उससे ज्यादा तनाव महसूस नहीं होगा। अगर आप घर पर रह रहे हैं और खुद को बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं अपने स्किल को डेवलप करने में, अपने डाइट को बेटर करने में, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करने में और आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कवर कर सकते हैं और अभी भी आप घर के अंदर रह के भी काफी क्रिएटिव बन सकते हैं। तीसरी चीज ये कि लोगों को लग रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है तो मैं कैसे टैकल करूं इस चीज को, और कई लोग बुरी आदतों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और दूसरी बुरी आदतें। सो दोस्तों, आपको ऐसा करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो आसपास के करीबी लोग हैं जो आपको समझते हैं और जो आपके साथ सेंसिबल बातें कर सकते हैं और आपको अच्छी सलाह देते हैं, आप उनके साथ टच में रहिए, फोन से कांटेक्ट में रहें और घर में रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, यही मेरी सलाह होगी कोरोना वायरस 2019 से निपटने के लिए। अंत में जाते जाते मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो कोरोना वायरस के होने के बावजूद भी इस प्लेनेट अर्थ के लिए काफी पॉजिटिव और फायदेमंद दिख रही है। वो ये है दोस्तों कि वेनिस नाम का एक शहर है जिसके जो कैनाल्स हैं उसके वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखने लग गए हैं क्योंकि अब उसमें जरा भी पॉल्यूशन नहीं रहा। इटली के जो समुद्र तट है वहां पे जो डॉल्फिन्स हैं वो और भी करीब आने लग गई हैं। ऐसा ही सेम हो रहा है जापान में। जापान की सड़कों में डियर्स खुले घूम पा रहे हैं और उनको काफी सेफ महसूस हो रहा है। सेम हो रहा है थाईलैंड में मंकीज के साथ। थाईलैंड के भी जो मंकीज हैं वो ऑल ओवर द सिटी फैल रहे हैं। दोस्तों, चाइना ने ये देखा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोल्यूशन कट हुआ है चाइना में। जो इतना ज्यादा पोल्यूशन होता था वहां की पॉपुलेशन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस जरा भी एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन नहीं है। सो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं कोरोना वायरस की जिससे हम पॉजिटिवली ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक कोरोना वायरस के आने से हम सब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए और एक दूसरे की मदद के लिए निकल रहे हैं और भी ज्यादा जेंटल हो गए, काइंड हो गए और हम्बल हो गए और अपने अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो और भी
उभर के बाहर आने लग गई। सो दोस्तों, कोरोना वायरस से हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे किसी घर में दो भाई लड़ते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आपत्ति आती है तो वो दोनों भाई उस आपत्ति को सुलझाने में लग जाते हैं और ना कि खुद की लड़ाई लड़ते हैं। सो इसी तरीके से ये कोरोना वायरस के आने की वजह से भी ये दुनिया एक दूसरे की मदद करने में लग गई है और एक हैप्पी वर्ल्ड का एहसास हो रहा है लोगों को। सो फ्रेंड्स, हमको कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके आ जाने की वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ आई है उसके बारे में सोच के हमको और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करना चाहिए। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।